अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं कुकिंग विद हादिया नलजीत। अज असीं अपनी किचन च बना लिया कोफ्ते चने। तो कोफ्ते चने बनाने लई सानूं जिंजर अशिया की जरूरत नहीं होने। असी एक पाव चने ले लसन, तो इन्हां नूं असीं अच्छी तरह बॉयल कर लिया। एक पाव सी ले लिया चिकन का कीमा, तो एक बड़े साइज का सी ले लिया टमाटर, तो दो बड़े साइज के ले लिया ने असीं प्याज। इन्हां नूं असीं बरीक बरीक कटिंग कर लिया। तो अदरक लसन का पेस्ट, दो बड़े साइज दियां सबज मिर्चां, तो थोड़ा जिहा सबज धनिया, तो एक कप ऑयल। तो स्पाइसिस भी सानूं चाहिए ने, हाफ टेबल स्पून पिसिया होया धनिया, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ वन टेबल स्पून सानूं चाहिए रेड मिर्चा, तो हाफ टेबल स्पून सानूं चाहिए जीरा पाउडर, तो नमक हसबे जरूरत। तो मैं चने बॉयल करते हुए इन्हें भी नमक ऐड किया। हाफ टेबल स्पून तो सानूं चाहिए ने कालिया मिर्चा, तो हाफ टेबल स्पून हल्दी। तो चलो व्यूवर शुरू करने हैं बाकी रैसिपी। तो रैसिपी शुरू करने तो पहले तुसी मेरे चैनल नूं लाइक कमेंट ते सबसक्राइब जरूर करना है। तो सब तो पहले असी ले लेना एक चॉपर, ते ओदे विच असी अपना चिकन दा कीमा जिहड़ा वो शामिल कर लेना। असी पहले बनाने अपने कोफ्ते, ते तकरीबन एक छोटा सा प्याज, दो बड़े साइज दियां सब्ज मिर्चां, वन टेबल स्पून अदरक लसन का पेस्ट, ते धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्चां, जीरा पाउडर, नमक, थोड़ी जी हल्दी, थोड़िया जी कालिया मिर्चा। तो हम असी इन्हों कर लें, पीस लें कीमे न, फिर तू दिखाने अपने कोफ्ते बना के जी। तो माशाल्लाह साढ़े कोफ्तिया का हो गया मसाला जबरदस्त है तैयार। तो हम असी इन्हें दरमियाने साइज के छोटे छोटे कोफ्ते बना लेने। मैं छोटे छोटे बनावा, तुम इस तो बड़ा साइज भी रख सकते हो। हाथ से थोड़ा जा ऑयल लगा लेना, इस तरह करके तुसी सारे कोफ्ते रेडी कर लेने। जी तो देखो माशाल्लाह नाल साढ़े कोफ्ते असी बना ले। तो हुण असी नू बाकी इनू असी करांगे फ्राई। तो चलो मैं फ्राई करने की तरफ चलने हैं जी। तो असी ले कढ़ाई के विच एक कप ऐड कर लिया ऑयल का, तो हम इस कर लें कोफ्ते फ्राई। ऑयल हो गया अच्छी तरह गर्म, तो असि अपने कोफ्ते डाल दें। नॉर्मल आंच रखनी है ताकि अंदर अच्छी तरह हो जाए फ्राई। इन हल्की आंच कर लाँगे दरमियानी मीडियम, ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। माशाल्लाह जबरदस्त है साढ़े कोफ्तियां दी आई है रंगत। तो तुसी इनू हल्की आंच से फ्राई करना ताकि अच्छी तरह अंदरों ही कच्चे ना रहन। अच्छा कर सारे फ्राई कर लेने जी। व्यूवर्स तो जिरे विच असी अपने कोफ्ते फ्राई किए, तो असी उन्हें जे उसी ऑयल दे विच अपने प्याज ऐड करने। अदरक लसन का पेस्ट ऐड कर लेने। थोड़ी देर इन भुन्ना गे। भुन तो बाद असी नाल ही टमाटर ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा नरम करा ताकि अच्छी तरह टमाटर तो प्याज थोड़े जे नरम हो जाए।
जी तो प्याज ते टमाटर ते हो गए जरा थोड़े जे सॉफ्ट ते हुण असीं ले लैणा ग्रैंडर दा जग ते उहदे विच असीं इहनूं पीस लैणा इहनां नूं अच्छी तरह से कर लांगे ब्लेंड जी तो असीं मसाले नूं कर लिया ग्रैंड ते जिहड़ा ऑयल बाकी विचे बचिया सी असीं उहदे विच अपना मसाला करने शामिल थोड़ा जहा पानी डाल के अच्छी तरह साफ कर लिया इन थोड़ी देर अच्छी तरह भुना के साढ़े लसन की जड़ी जो थोड़ी बहुत है वे स्मेल वो अच्छी तरह खत्म हो जाए जी तो मसाले भी हो गई अच्छी तरह नाई तो हम असर अपने स्पाइसिज ऐड करने पिसिया होया धनिया लाल मिर्चा वन टेबल स्पून जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून नमक हसवे जरूरत ते हाफ टेबल स्पून हल्दी हल्दी पाउडर ते हाफ टेबल स्पून कालिया मिर्चा तेन असी करांगे अच्छी तरह मिक्स के बिच हुण ऐड करने अपने जिहड़े फ्राई किए हुए कोफते ते कोफते डाल के इनू अच्छी तरह असी हुण कोफ्तिया नाल इहदी बनाई कर लांगे हुण असी इहनां दी अच्छी तरह बनाई कर लांगे तां कि साढ़े कोफ्तिया च अच्छी तरह मसाला चला जाए तकरीबन 5 मिनट असी अच्छी तरह ना बनाई कर लाँगे तो व्यूवर तुसी मटन के कीमे के कोफ्ते भी बना सकते हो मैं चिकन दे बनाए ने बहुत ही आसान तो बहुत ही मज़े की रैसिपी है जी तो साढ़े कोफ्ते अच्छी तरह हो गई बनाई तो हुण असी इहदे च अपने जिहड़े बॉयल किए हुए चने ने वो ऐड करांगे बिस्मिल्लाह मैं चनिया का पानी जोड़ा वह गिराया नहीं सी है जिन्हें कि बॉयल किए सन तो और समेत ही सीधे ऐड किए ने और जायका जबरदस्त बनता है तो हूँ असी तकरीबन 10 मिनट वास्ते हल्की आँच से पकन देंगे जी तो साढ़े जबरदस्त जो कोफ्ता चने हो गए रेडी तो हूँ एंड ते आके सीरे च थोड़िया जी कालिया मिर्चा तो थोड़ा जहा गरम मसाला तो भुनिया होया कुटिया होया जीरा थोड़ा जहा ऐड करांगे थोड़ा जहा सब्ज धनिया व्यूअर्स तुहानू असी डिश आउट करके दिखाने कि कैसे लगते हैं साढ़े कोफ्ता चने जिन्हें माशाल्लाह देखने च अच्छे लगन दे ना मज़े के होने यकीन खाने च भी मज़े के होने तो तुसी जरूर बनाने जरूर ट्राई करने जी तो साढ़े चिकन कोफ्ता बन के हो गए ने तैयार तो व्यूअर्स अगर तुहानू मेरी अज की रैसपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तो सबसक्राइब लाजमी करना है तो बैल आइकन का बटन प्रेस करना तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो आसानी ना मिल सके।